कठुआ रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर एक रुकी हुई मालगाड़ी अचानक चल पड़ी। आखिर ये कैसे हुआ? आपको बता दें कि जहाँ गाड़ी ठहरी हुई थी वो ढलान वाला हिस्सा था। यह गाड़ी कठुआ से पंजाब के पठानकोट की तरफ बढ़ने लगी। जब लोगों ने ये देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मालगाड़ी को पंजाब के मुकेरिया में ऊंची बस्ती के पास रोक दिया गया। इस प्रकार से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब प्रशासन और उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर जम्मू के अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कठुआ स्टेशन पर रुकी हुई एक मालगाड़ी अचानक पठानकोट की ओर ढलान के कारण बिना ड्राइवर के चलने लगी। अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद हम बता पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं बता सकते, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, डीएम साहब बताएंगे जो बताएंगे। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मैटर, भैया अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही मेरे फिरोजपुर के डीएम साहब बताएंगे जो होगा। हाँ सर, सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ होएगा सर। अभी भैया अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद जिस होगा जो भी होगा। अभी हम कुछ नहीं कह रहे, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। रविवार सुबह कठुआ से लेकर होशियारपुर से ढसुआ तक 70 किलोमीटर तक मालगाड़ी बिना लोको पायलट के दौड़ती रही। बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रेन को मुकेरिया पंजाब में ऊंची बस्ती के पास रोका गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे अधिकारी लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये ट्रेन कैसे चली।